करेक्टिव एक्शन लेना इज कंट्रोलिंग, प्लानिंग करना फिर उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना, डायरेक्शन देना इज अदर थिंग, एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग इज समथिंग एल्स। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन में ठीक नहीं हुआ उसको ठीक करना, दैट इज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के गैप को करेक्ट करना। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं आज की, अभी आज की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में कंट्रोलिंग सीखा क्या था, देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू कंट्रोल, कंट्रोल करने की काफी सारी टेक्निक्स होती है। मोस्ट ऑफ मॉडर्न कंट्रोल डिवाइसेस यूजुअली रिफ्लेक्ट द सिस्टम टेक्निक, लॉन्ग यूज फिजिकल साइंस, कुछ सिस्टम टेक्निक्स होती है। जैसे अगर सीसीटीवी की बात करें तो क्या वो कंट्रोलिंग डिवाइस है मॉडर्न में, वेदर माय एम्प्लॉयज आर सिटिंग आइडल और नॉट, क्या एक कंट्रोलिंग डिवाइस हो सकता है वो भी, yes, that's also controlling device. तो मॉडर्न जो हमारी कंट्रोलिंग टेक्निक्स है दे आर मोर इन टू टेक्निक्स, वो ज्यादा किस चीज में है, टेक्निक्स में। ऑपरेशन सर्च बर्ट पीईआरटी दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक्स। मेन ट्रेडिशनल डिवाइसेस कौन से होते थे कंट्रोल करने के, बजट, स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट, ब्रेक इवंस, ये सारे हैं। तो सबसे पहले हम बजट उठाते हैं, बजट क्या होता है, बजट और नीचे जीरो बेस बजटिंग एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है। पहले हम ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर द ट्रेडिशनल टेक्निक्स, कंट्रोलिंग टेक्निक्स, या विच अमंग दिस इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहला बजट, चलिए बजट के बारे में एक बात हमने सुनी हमेशा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू केम टू क्लास, तो क्या बजट समय का भी हो सकता है, बजट टाइम का भी हो सकता है, बजट रिसोर्सेस का भी हो सकता है, मटेरियल का भी हो सकता है। जब आप पहले दिन क्लास आए तो आपको शायद ये नहीं पता था कि कितनी देर लगेगी, आप एक एस्टिमेट अपने तरीके से एक सवा घंटा लगा के आते, आपको ये नहीं पता था कि मुझे कितने रुपए का किराया लगेगा, तो आप शायद एक एस्टिमेट 100-200 एक्स्ट्रा लेके आए, ठीक है। ये तो हो गया आपका बजट, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट मीन्स दैट बजट वेर यू डोंट हैव एनी हिस्ट्री। जीरो बेस बजट कौन सा होता है, जहां पर आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं होती, जो फ्रेश जीरो से आप शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड एज जीरो बेस्ड बजट। इसका ऑपोजिट होता है जब आप नेक्स्ट डे क्लास के लिए आए तो क्या नेक्स्ट डे भी जीरो बेस बजटिंग बनेगी ना, नेक्स्ट डे इज योर बजट, नेक्स्ट इज योर बजट, हिस्टोरिकल बजट बोला जाता है वैसे उसको, हिस्टोरिकल बजट। व्हाई आई एम कॉलिंग हिस्टोरिकल बजट, इन केस ऑफ हिस्टोरिकल बजट यू हैव द डेटा, आपके पास डेटा अवेलेबल होता है। जीरो बेस बजटिंग की लिटिल डिफिकल्ट टेक्निक, वेयर एज इफ वी कम इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बजट इट्स लिटिल बेटर। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो जीरो बेस बजटिंग जो होता है वो थोड़ा सा अपने टारगेट से दूर रहता है हमेशा, वेयर अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बजट की एज कंपेयर टू जीरो बेस बजटिंग टारगेट के काफी पास पे रहता है। फोरकास्टिंग बेटर किसमें होगी, ऑफ कोर्स जिसमें हमारे पास डेटा हो, ठीक है। तो बजट कंट्रोल, एनीवन कैन अगेन टेल मी व्हाट्स बजट कंट्रोल, बजट कंट्रोल मींस इन केस ऑफ कॉर्पोरेट और फैक्ट्रीज व्हाट द बॉस विल डू, मालिक क्या करता है, आपको एक बजट दे देता है कि आपको इतने रुपए में ये डिपार्टमेंट करना है, इतने यूनिट्स, इतना मैं आपको रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, ये आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, या फिर WIP या इनपुट में इतना दे रहा हूँ, आउटपुट इतना बना के दोगे, या फिर मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, इतने टाइम के अंदर आप मुझे ये बना के दोगे विद रीजनेबल आइडल टाइम जोड़ के। वो आपको कहता है कि आप पूरे दिन में क्या किया आपने, अगर आप मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक यू टू सिट फॉर अ होल डे एंड आप यू कम अप एट द एंड ऑफ द डे दैट आई हैव रीड ओनली टू पेजेस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट यू आर डूइंग फॉर द होल डे, क्या कर रहे थे आप पूरे दिन, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरे दिन का बजट दिया था टाइम का, उसमें आपने जस्ट 2 यूनिट प्रोड्यूस करके दी मुझे, तो आपको वो सर इतना टाइम लगता है, व्हाट विल बी माय आंसर, नहीं इतना नहीं लगता है, बिकॉज हिस्ट्री कहती है कि एक दिन में 2 पेजेस ही नहीं पढ़े जाते, ज्यादा पढ़े जाते हैं, तो सो इज इन फैक्ट्री, हिस्ट्री कहती है कि एक दिन के अंदर अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स यू कैन मैन्युफैक्चर, तो आपने इतनी क्यों बनाई, दैट्स बजट। वो तो हो गया बजट, और बजट कंट्रोल क्या होगा, अब जो मैं उससे कन्वर्सेशन कर रहा हूं ये कि तुमने इतना ही क्यों किया, ज्यादा हो सकता था क्योंकि हमारे पास डेटा
अवेलेबल है, पहले भी तो हुआ है, चलो वो 5 बनाता था, अब 4 बनाओ, 3 बनाओ, 6 बनाओ, इतना कम कैसे हो जाओ। ये क्या बेसिकली आपका जीरो बेस्ड बजट, ये आपका हो गया बजट कंट्रोल। आगे अभी कंट्रोल समझ के होता है, कंट्रोल किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल बोल रहे हैं जब आप टेक्निक्स यूज करके सामने वाले को कंट्रोल कर, दैट इज कंट्रोल। ठीक है, पेज नंबर 127। So, budgets as a plan represents a statement anticipated inflows and expected outflows expect. तो budget होता क्या? Budget basically क्या बताता है आपको? Expected. Budget is a plan represents a statement of anticipated inflow, मतलब कितना inflow आएगा, and also expected outflow. अगर वो expected outflow ठीक नहीं होता है, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि आप उसके ऊपर भी techniques use करोगे। अभी आपके पास कोई technique नहीं है, फिर आप CCTV लगाओगे अपनी factory में। अगर वो कहते हैं कि नहीं सर इतना टाइम लगता है, व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज अ सर्विलेंस कैम, कि मैं उसको देखता हूं कि किस वक्त वो खाली बैठा रहता है। क्या ये भी एक कंट्रोल की टेक्निक हुई? कंट्रोल की टेक्निक हो गई ना कि आई विल वॉच यू किस वक्त आप खाली बैठे। 2 यूनिट क्यों बने आपकी? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, क्या उसके लिए भी कंट्रोल यूज हो सकता है? आई विल मेक यू टू प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ यूर, मैं देखूंगा कि कितना वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, so the Institute of Cost and Management Accounting in England and the Wales have defined the budgetary control as the establishment of the objective relating to responsibilities of executive, underlying responsibilities of executive to the requirement of policy and the continuous comparison of the actual with budgeted results, either to secure by individual actions the objective of that policy or to provide the basis for their revision. What is the expected result? In case of budget, आप चाहो तो लिख सकते हो, in case of budget, expected results are always in numbers. In case of budget, expected results are always in number, हमेशा। जैसे आप कभी भावनाओं में, feelings में, emotion में कभी अपना expectation दिखा सकते हो कि मेरी expectation आपसे कितनी है? We, it's difficult if we show our expectation in terms of feelings. बट इट्स ईजी अगर हम कहते हैं कि मुझे एक दिन में इतना परसेंटेज काम चाहिए, इतना पेजेस चाहिए, इतनी यूनिट चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतनी कमाई चाहिए। आपका बजट की जो टेक्निक है, एक्सपेक्टेड हमेशा एक्सपेक्टेशन, बजट का आउटपुट हमेशा किस में होगा? नंबर्स। ऑलवेज आउटपुट ऑफ बजट विल बी नंबर्स, हमेशा। तो जैसा आप नेक्स्ट पेज करते हैं, 128 पे आपको लिखा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन द बजट में बी एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो मैंने आपको कहा नंबर्स में आता, जैसा मैन आर, तो आपने क्या कहा 7-8 घंटे। दूसरा यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मैंने कहा 5 यूनिट। मशीन आर, कितने घंटे आपने मशीन चलाई, और एनी अदर न्यूमेरिकल मेजरेबल टर्म। क्लियर? क्लियर। बजट के काफी सारे बेनिफिट्स कहां मिल सकते हैं आपको? अगर आप इफ डिफरेंट फेसेस ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर कवर्ड बाय बजट एंड कंपैरिजन, कॉम्प्रिहेंसिव बजटिंग इज यूज। अच्छा, बजट सिंगली ज्यादा बेनिफिट देता है? बजट बेनिफिट तो देगा, पर मेरा सवाल ये है कि बजट आपको कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिट देगा या सिंगल में देगा? ऑलवेज कंपैरिजन। तो बजट कंपेयर किससे करूँ मैं आपको? अरे मैं बोलूँ अगर कि ये फर्स्ट आया है, वो सेकेंड आया, तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना कि आप कुछ नीचे हो, कंपेयर करने पर ही तो होगा। जब रिजल्ट ही नहीं है आपके पास कंपेयर करने के, तो सभी अच्छे हैं, ऑल आर गुड। ऑलवेज बजट किस में बेटर होता है? कंपैरिजन में। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन बजटिंग? बजटिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? बजट के अंदर सबसे पहला 3 कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में एक बात बोली कि आप जब फर्स्ट डे क्लास आए तो आपको ये नहीं पता था कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे आगे, तो क्या आपने एस्टिमेट बनाया होगा? बजट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट पहला होता है, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट का कंपनी का ऑब्जेक्ट हो सकता है हायर प्रॉफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना, एक तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन की सरकार। देन फिर आपने पहला
ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एक्शन करना क्या आपको, फिर उस एक्शन को आपने क्वांटिफिबल माने मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करना है, जैसे 60 रुपीज मुझे इंस्टेंट एनएमसी पहुंचना, उसके लिए क्या करना है, मुझे बस या मेट्रो या बाइक कार लेनी है, एक्शन। तीसरा उसके लिए पैसे कितने लगेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में अपने बजट डिसाइड किया। देन कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, कॉन्स्टेंट कंपेरिजन। अब आते हैं फैक्ट्री में, सबसे पहले मुझे 1000 यूनिट्स बनानी है, सेकेंड स्टेप इज 1000 यूनिट्स बनानी है, सेकेंड स्टेप आपका यूनिट्स बनाने के लिए एक्शन क्या चाहिए, यूनिट्स बनाने के लिए एक्शन क्या चाहिए आपको, सर मुझे 10 आदमी चाहिए, हायरिंग करूंगा मैं उनकी, फिर उसके बाद उनकी सैलरी कितनी है, सर 10 आदमी की सैलरी मुझे 1 लाख रुपए पड़ेगी। फिर आपका आता है कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, कॉन्स्टेंट कंपेरिजन किस चीज की बात करते हैं, चलो अब आपने इस बार तो बजट पूरा करा या कुछ कम रहा, तो आपका स्टैंडर्ड और डिसाइडेड में क्या डिफरेंस आ रहा था। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 10 आदमी 1000 यूनिट बना देंगे, बट वो बना 800 ही पाए, तो हमने क्या देखा कि सर हमारा 800 में ही बजट खत्म हो गया। अब आप ढूंढो कि 800 में बजट खत्म क्यों हुआ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मशीन आर ज्यादा लगे, लेबर लेट आती थी, आइडल टाइम हो सकता था, महंगाई, एस्केलेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं होता था, एनी ऑफ द रीजन कुड बी देयर। उससे उसको कंपेयर करके उसको कंट्रोल है, कॉन्स्टेंट कंपेयर। व्हाट आर द पर्पस ऑफ बजटिंग, ट्रांसलेटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन इनटू आपका था कि मुझे एनएमसी पहुंचना, एनएमसी पहुंचना इज योर टारगेट, बट इसको नंबर में कैसे डालोगे कि 1 घंटे में पहुंचना है और 60 रुपए खर्च होना। तो थर्ड कहता है कि कोई भी आपका जो प्लान है उसको नंबर में डालो। सो इज अगर आप फैक्ट्री की बात करते हो, तो फैक्ट्री का आपका टारगेट था कि मुझे सेल्स अपनी 1000 यूनिट्स की करनी, बट उसको नंबर्स में डालने के लिए क्या चाहिए कि 1000 यूनिट्स की सेल करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 1000 यूनिट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ बटन कॉलर या रॉ मटेरियल चाहिए। तो यू आर ट्रांसलेटिंग योर बजट टारगेट इन टू नंबर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज किसका कंपेरिजन पूछा आपने, थर्ड है सेकेंड इज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट डिसाइड होने के बाद में कि आपको क्या क्या करना है। सेकेंड ने कहा कि आपको 1000 यूनिट चाहिए, तो लेबर चाहिए, बिजली चाहिए, जगह चाहिए, मशीन चाहिए, पैसा चाहिए, वो सारी डिटेल है। थर्ड में आपको उसको नंबर्स में बांटना। अच्छा, फिर आता है पर्पज ऑफ बजटिंग। पर्पज ऑफ बजटिंग एज आई टोल्ड यू, होम्स और डॉलर ने बताया था, बजट कोरिलेट्स प्लानिंग एंड अलाउ अथॉरिटी टू डेलीगेट विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। तो बजट का पर्पज क्या है, प्लानिंग को कोरिलेट करता है एंड ऑल्सो अलाउ द अथॉरिटी टू डेलीगेट विदाउट द लॉस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पता है मैनेजमेंट में क्या रहता है, मैनेजमेंट जब आप डेलीगेशन करते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल। जब आप पढ़ते हो ना डेलीगेशन, तो डेलीगेशन की लिमिटेशन होती है, क्या होता है डेलीगेशन की लिमिटेशन, एक होती है उसमें से लॉस ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, इफ आई हैव गिवन यू माय पावर, तो मुझे कहीं ना कहीं फियर है, क्या चीज का फियर है, कंट्रोल मेरे हाथ से आपके पास चला जाए, तो मैं इसलिए पार नहीं लेना चाहता। तो सो इज बजट, अगर मैंने बजट बना के आपको दे दिया तो थोड़ा सा जो डर है कंप्लीट दे दिया, बट अगर मैंने आपको बजट दे दिया तो मेरा पार जाने का मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना यूज करोगे, 1000 रुपया वेस्टेज, 1000 यूनिट्स, 1000 रॉ मटेरियल, इससे ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। या फिर मैंने मार्केट से आपको लाने को बोला तो 1000 यूनिट्स, मैंने आपको पार नहीं दी, आप मेरा फिर भी हो रहा, डेलीगेट भी कर दिया मैंने आपको, बट कितना लिमिटेड डेलीगेशन, इतना करो फिर दोबारा डेलीगेट करो। तो बजट से एक फायदा क्या हो जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन बजट से फायदा क्या हो जाता है, बजट हेल्प्स यू टू गेट आउट ऑफ द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर। विदाउट द लॉस ऑफ पावर डेलीगेशन हो जाता है, डेलीगेशन विदाउट लॉस ऑफ पावर। अच्छा, पर्पस क्या है बजट का बनाने का, आप थ्योरी समझ आ गई है तो पॉइंट्स बता सकते हैं। पहला, टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर फॉर प्लानिंग। सर बजट नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे करोगे आप, है कि नहीं। तो अगर आप बजट बनाते हो तो प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग करते हो तो बजट चाहिए, है कि नहीं। तो आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी बजट। दूसरा, मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर बजट बन जाता है ना
तब कोऑर्डिनेशन में आता है। कोऑर्डिनेशन में कैसे? क्योंकि खुला खर्चा नहीं कर रहे गूगल। एवरी टाइम यू हैव टू कम टू क्लास, एवरी टाइम इफ यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट, देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम। दे विल बी आस्किंग यू, आई गिव यू 200 रुपीस 2 डेज बैक, मेरा हिसाब दो उसका। वो हिसाब बेसिकली हिंदी में है, बट इंग्लिश में उसको क्या बोला? कोऑर्डिनेशन। कि आपने जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब दीजिए, आप नया पैसा फिर दोबारा ले लीजिए। दैट इज व्हाट दैट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो जब टीममेट्स को एक बजट दिया जाता है, तो अगर बजट से इधर उधर चल रहे तो नोटिंग कौन सा हिसाब मांगा जाएगा कि इस पैसे का हिसाब तो आप, वो कोऑर्डिनेशन है, दैट्स कोऑर्डिनेशन। बजट इज अ बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑलरेडी डिफाइंड टू यू। बजट से कंट्रोल हो सकता है, अदर पर्पज ऑफ बजट, बजट के और भी कुछ पर्पज है। पहला तो कंट्रोल द कॉस्ट हो सकता है। एक तो आपको बोला जाए बेटे जितना पैसा चाहिए ना, ये ड्रॉअर है, ये अलमारी है, निकाला करो ले जाए, हमारी तरफ मुंह भी मुड़ के मत देखना। और दूसरा, अगर लेके जाएगा 40 रुपए सुबह, तो शाम को 40 का हिसाब देगा, बस की टिकट दिखाएगा, और अगर बर्गर खाएगा पैटी खाएगा तो बिल लेके आएगा साथ। तो ये क्या कंट्रोल है आपके? अगर आपने 10 का 12 रुपए 2 रुपए की च्युइंगम भी खा ली गई, तो कंट्रोल है पेरेंट्स का आपके ऊपर, आप कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। सो इस कंपनी अगर बजट है, गिवन बजट है, डोंट यू थिंक जो एक्स्ट्रा खर्चे आपके, रिश्वत और नंबर, अपनी पॉकेट में पैसा चोरी करना या स्कैम्स करना बच सकते हैं? क्योंकि आपको जवाब देने, सर 1000 रुपए आपको दिए थे, यूनिट्स के इतने रुपए लगे, बचा हुआ पैसा नहीं दिया, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बजट इज अ टेक्निक टू कंट्रोल। बजट से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, गिवन रिसोर्सिस गिवन टाइम, और आउटपुट आपको बताया। ऑफ कोर्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप करना चाहोगे। और टू डिटरमाइन कैपिटल रिक्वायरमेंट, बजट से पता चल जाता है कि पैसे की जरूरत है कितनी। बजट टू एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर आपको पता है हमारा जो इंडिया में अभी वो गया था चंद्रयान 2 गया था, और नासा का भी गया था, मंगल भी गया हमारा, सक्सेस भी हो गया, और नासा का भी गया था, हमारे पैसों में कितना डिफरेंस आपको पता होगा? हम उसके 10% पे भेज रहे थे और वो 100 लगा रहे। तो वो ये बिगड़े में बच्चे वाली बात होगी, बेटा जितना पैसा खर्च करना है कर, ठीक है, सक्सेस वो भी नहीं है, सक्सेस हम भी नहीं। चंद्रयान 2 मतलब जिस साउथ पोल पे गया उधर कोई सक्सेस नहीं, मंगल में सक्सेस वो भी हुए हम भी हुए, हमारा कुछ एक्स अमाउंट था और उनका कुछ वाई अमाउंट था, ठीक है। हम कम में कैसे भेज सके थे? हमें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है करना तो इतने में कर लेंगे, तो शांति से बैठ गए, ठीक है, हमने अपने बोला हुआ है इसरो को करना तो कर, होता है तो इतने से बजट में कर ले, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इससे ज्यादा, हमारी इकोनॉमी इतनी भी है, और तू कर इतना पैसा ना चंद्रयान पे लगा दो, ठीक है, हमारा बजट है पूरे साल का इतना, जितना तुम चंद्रयान पे लगाने को गए तो इतना खर्च नहीं कर सकते, तो हमें 1000 करोड़ देने तेरे को, करना तो कर नहीं तो मत। तो जब, और एक बिल गेट्स ने एक फेमस चीज कही थी, आई हायर लेजी पीपल, व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ टू डू एनीथिंग इन द शॉर्टेस्ट वे। अब जैसे आलसी मुझे भी पता है भरे में, अगर मान लो आप लेटे हुए और स्विच इधर है, समझ गए, आप खड़े होने की बजाय क्या करो? पैर, आप सब कुछ हिल जाओगे, उसको बंद कर देगा, जो शॉर्टकट नहीं ढूंढा आपने उसको आपको काम कर देगा। सो इज अ टेक्निक्स। जब आपको रिसोर्सेज कम दिए जाते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली उसके खर्चे धीरे 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 श्रिंक करते हो, शॉर्टकट ढूंढते हो, हर चीज में नहीं ढूंढते हो, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जुगाड़ कर लेते हैं हम हर चीज के। तो सो इज योर एक्सपेंसेस। जब आपको बजट दिया गया तो आप उस बजट के अकॉर्डिंग क्या करते हो? रिसर्च, क्योंकि नए नए तरीके खोजने, अब आपको सस्ते में करने के, इतने में होता तो ठीक है, नहीं तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओके, देन कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो आपका, इफ यू हैव टू गो टू पार्टी, फेस्ट में जाना होता अगर आपके लेवल पे बात करता हूँ, या पार्टी में घुसना है कुछ भी, यू ट्राई टू अरेंज फॉर द पासेस। ये अरेंज करना इज वॉट रिसर्च, अपनी नेटवर्किंग बना के रखते हो पहले से, फिर आप रिसर्च करते हो कि किधर से कैसे मुझे सस्ते में मिलेगा, आपको सस्ते में खाना चाहिए। अब जिसकी सैलरी 2 करोड़ महीने की, वो तो नहीं ढूंढता होगा ना जोमेटो पे ऑफर, अपने को कूपन ढूंढने पड़ते हैं,
कौन सा कूपन है जो 70% डिस्काउंट दिला रहे हैं, क्यों वो क्या कर रहे हो? आप एक मोबाइल खरीदने से पहले आप 10 दिन की या 15 दिन की रिसर्च करते हो. व्हाट इज दैट रिसर्च? इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग एट अ बेस्ट प्राइस. तो आपको बजट दिया गया तो आप क्या करते हो, यू ट्राई टू रिसर्च एंड देन डेवलप द थिंग्स. आप उसे एग्जाम्पल दिए इसके चंद्रयान दीदी, आपको आपका अपना सफर. इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्डेड. ऑफकोर्स आपने जो पैसा खर्च किया उसके यूटिलाइजेशन बेटर है. हमारा चंद्रयान सही सक्सेस नहीं हुआ, हमें फिर भी खुशी है. एक तो खुशी है बिकॉज एक तो वो हमारा ऑर्बिट चल रहा है. सेकंड खुशी अगर हम अपने बजट चैप्टर से बात करें तो वो है कि सर जितने में हमने भेजा उससे कई गुना ज्यादा में नासा ने भेजा, तो हमें को इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा इतना पैसा वेस्ट नहीं. तो हमें हमारे पैसे की वैल्यू वसूल हो गई, हमारा ऑर्बिट वहां पर घूम रहा है, हमें दिक्कत नहीं. सो इट्स अगर आप कोई भी चीज खर्च करते हो तो अगर आप उसको वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है ना, अगर आपको चाहे वो अल्टीमेटली अचीव भी नहीं हो तब भी ओके है सर, वैल्यू फॉर मनी मिला मेरे. सो बजट आपको हेल्प करता है यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी समझते हो, उसका फायदा एंजॉयमेंट है. बजट की वजह से आप क्योंकि एक श्रिंक वे में चलते हो हमेशा, तो श्रिंक वे में चलोगे तो आपको यूटिलिटी ऑटोमेटिक मिल जाए. राइट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट? सर हर डिपार्टमेंट का होता है. सेल्स बजट सेल्स वाले लोगों को दिया जाता है. प्रोडक्शन बजट वो किसका होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है. क्योंकि परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वाला आइटम एसेट साइड. एडमिन का बजट, रिसर्च का बजट, कैश फ्लो. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग? बजटिंग के क्या क्या फायदे हैं अभी मैं आधे घंटे से वही बता रहा हूँ आपको. बजटिंग के फायदे क्या होते हैं? बजटिंग हेल्प्स यू इन मेनी डाइवर्स एक्शन एंड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर. आप बजट से हर एक चीज को नंबर में, सर आप दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको नंबर में ना डाल सको. बजट से किसी भी चीज को आप नंबर में, सर फीलिंग्स भावनाएं सब नंबर में डाल देते हो आप. ठीक है, मेरी भावनाएं हैं, मेरी फीलिंग्स है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, उसमें आ जाता है बाय 40 आई शुड अर्न दिस मच, है ना. If my feelings are I have to get married by 20 and I should be that much qualified and earn that much, then only I will get married to that person or that type of person. ठीक है, तो feelings भावनाएं भी अगर हम डाल सकते हैं तो सर नंबर वाली चीजें तो पक्का डाल सकते हैं. अगर आपको फैक्ट्री में बोला जाता है कि 1000 यूनिट्स बनानी है, जिसके लिए पैसा कितना लगेगा, बचेगा कितना, फायदा कितना होगा, नंबर में आ सकता है. तो बजट हेल्प्स यू टू डाइवर्ट एंड क्लासिफाई एवरीथिंग इन नंबर्स. दूसरा फायदा बजट का, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते हो आप. एक्सपेंस बियॉन्ड द बजट पॉसिबल ही नहीं क्योंकि दिया नहीं जाता आपको. करना भी तो प्रायर सेंशन चाहिए, पूछना पड़ता. बजट जो है टारगेट सर्व करता, बजट इज अ टारगेट फॉर यू. एंड सबको पता होता है बजट में कि आपको क्या करना है. मान लो आपको बजट दिया गया घर से 60 रुपए की, जा बेटे कोचिंग चला. ठीक है, आपको आपका फ्रेंड कहता चल एक काम कर ओला बुलाते चल. ओला बुला, आपको पता है आपको क्या करना है. यू आर वेरी मच क्लियर, आपको पता है कि आपको क्या करना है. आप कितना भी वो बोले, जलील करे, प्रेज करे, आप ओला नहीं बुला. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास गिवन बजट है, मेरी जेब में कितने रुपए. सो इज अगर एक फैक्ट्री के मैनेजर को आपने 60 लाख रुपए दिए और उसको एक काम करने को बोला कि आपको इतना काम करके देना है, अब चाहे उसको कोई भी कुछ भी बोले बट उसको उसका टारगेट पता है. उसको पता है कि मेरे पास इतना अमाउंट है, 60 लाख में मुझे ये सब कुछ अचीव करना है. आप चाहे मुझे आप प्रेज करो, हवा में पहुंचाओ, गिराओ, नीचे करो, डिमोटिवेट करो, बट मुझे तो मेरा टारगेट पता है. बजट हेल्प्स यू टू नो योर टारगेट. देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज पॉसिबल. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड द बजटेड परफॉर्मेंस विल शो अप स्पॉट्स वेयर मैनेजमेंट एक्शन इज नीडेड. मतलब समझ आया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो गैप दिखेगा क्या उससे आपको हेल्प मिल सकती है कि मैनेजमेंट की टेंशन कहाँ चाहिए आपको. देन ये बजट्स आर ड्रॉन अप ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डायनामिक्स ऑफ द फर्म वुड बी एबल टू ग्रो एट अ फास्टर रेट. अगर रियलिटी तो ऑफकोर्स फास्टर पे जाएगी. बजटिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर प्रॉफिट प्लान. एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी आप कल से लास्ट क्लास से बात बोल रहे हो ना, स्टैंडर्ड 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 मीट भी हुआ एक्चुअल से. वॉट इज दैट स्टैंडर्ड? लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग 90% एट 87.3% वाज योर गैप. तो इस 87.3 और 90 में स्टैंडर्ड क्या था? गैप एक्चुअल. इसी को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दिया.
कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 90 रुपए बन गई है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी हुई 90, बन गया 80, बन गया 93 में, बना 93 में, उल्टा करो ना, बना 93 में, 3 रुपया गया, वो क्यों हुआ वो चेक। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है टारगेट आपका। बजट हेल्प्स यू टू गेट योर फाइनेंशियल डेटा, आपको करंट अकाउंट जो लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एक्सेट्रा रेशियो चेक करने में बजट कर सकते हो। तो रेशियो चेक, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे 10 रुपए लगे थे, इस बार अब मेरे 8 रुपए लगे, मैं कितना बेटर कर रहा हूँ, 2% बेटर कर रहा हूँ। बजट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट द इंटरनल ऑडिटर, जिन बच्चों ने कभी ऑडिट पढ़ा, आपके कोर्स में ऑडिट भी है आई थिंक रिसेंटली सभी बच्चों ने पढ़ लिया ऑडिट, आप लोगों ने तो ऑडिट आपको पता है क्या होता है, इंटरनल ऑडिट भी आपको पता है क्या होता है। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जब आपका इंप्लॉई ही आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब कुछ चीजों को चेक करता है, उसको क्या बोला जाता है ऑडिट। क्या बजट आपके इंटरनल ऑडिट में हेल्प करेगा? तो बजट से तो इंटरनल ऑडिट हेल्प करेगा ना, बजट आपका इंटरनल ऑडिट में हेल्प करेगा। सर बजट गिवन था उससे वो ज्यादा खर्च कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर सीधा के पूछेगा दिस इज अ डार्क एरिया, दिस इज अ डार्क स्पॉट, पता ये क्यों हुआ। ऑडिटर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बजट का अगर है बना हुआ तो मैं सीधा पकड़ लूंगा कि कहां पर डार्क एरिया स्पॉटेड है उसको लेके आओ, वो ज्यादा खर्च क्यों होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस भी बजट की वजह से हो सकता है, बता सकता है कोई कैसे हो सकता है। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस आप बजट से ये पता लगा सकते हो कि कब पहुंचोगे आप नॉन लॉस नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन एनालिसिस हो सकता है अगर आपका था कि मैं 10 यूनिट बनाऊंगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट में, आप पहुंच 12 पे हो रहा है, स्टैंडर्ड था 10 का हुआ 12 पे, गैप कितना रह गया? किससे पता चला? बजट से। ब्रेक इवन एनालिसिस कहां से निकाल लिया आपने? बजट से। और एक टूल है आपका स्टैट्स का, ये थी मॉडर्न टेक्निक्स, नॉन ट्रेडिशनल अभी और चल रही है, या फिर मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स, नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पता चल गई एंड नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 15 मिनट पहले क्लास स्टार्टिंग की, जीरो बेस्ड कौन सी होती है कोई बताइए, लेट आए थे उनके लिए जल्दी से रिपीट, जीरो बेस्ड बजटिंग कौन सी होती है? फर्स्ट डे क्लास में आ रहे हो जब आप, जब आपके पास कोई डेटा या हिस्ट्री नहीं हो क्या जीरो बेस। तो कंपनी कभी फर्स्ट डे काम कर रही है अगर उसके पास प्रीवियस डेटा तो है नहीं, तो वो जो बजट बनाएगा वो किसको बनाएगा? जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग जस्ट लाइक इवैल्यूएशन की एक टेक्निक होती है बिटवीन योर स्टैंडर्ड एंड योर एक्चुअल। जैसा मैं आपको पहले पूरा समझाया, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल बजट थोड़ी सी कमी रहती है, रीजन बीइंग हिस्टोरिकल में डेटा आपके पास होता है, जीरो में डेटा नहीं होता, जीरो डेटा इन द जीरो तो फोरकास्ट थोड़े और ज्यादा पार चले जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं। फिर आता है आपका कंट्रोल का एक और टेक्निक होता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्रिटिकल पथ मेथड इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने लिखवाया था आपको लास्ट क्लास, क्योंकि दो आपके बचे हुए टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एनालिसिस को पढ़ते हैं। नेटवर्क एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड फॉर शेड्यूलिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ऑन सच प्रोजेक्ट्स। It achieves this aim by analyzing the components parts of the project and assessing the sequential relationship between each event. The results of this analysis are represented diagrammatically as a network of interrelated activities. Broadly speaking, there are two network techniques. दो हमारे network techniques होते हैं। देखो किस तरीके से करते हैं हम एक काम बनाते हैं तो हम ऐसा एक graph बना देते हैं zigzag या straight line। हम देखते हैं कि सारी एक्टिविटीज इंटरलेटेड है, जो इंटरलेटेड है वो क्या हो गया आपके नेटवर्क, एक्टिविटीज विच आर इंटरलेटेड विद ईच अदर इज अ नेटवर्क। उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के लिए दो टेक्निक होती है, एक होती है क्रिटिकल पथ मेथड। क्रिटिकल पथ मेथड कहने का मतलब है सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पर आपकी एटमोस्ट अटेंशन चाहिए होती है,
सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल पथ मेथड एन इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल इट वॉज डेवलप्ड बाय वॉकर ऑफ द ड्यूपॉन्ट। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस सुना आपने पहले? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस वेल्थ में नहीं था। सो वॉकर ऑफ द ड्यूपॉन्ट टू रिड्यूस द टाइम फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस building method. It is used for important data. It is used for planning and controlling the most critical activities to accomplish any project under this technique. A project is broken into different operations or activities and their relationships are determined. These relationships are shown up with the help of diagram known as a network diagram. The network diagram flow plan or diagram of the flow plan may be used for optimizing the use of resources on track. CPM and critical path method technique is based on the assumption that activity time are proportional to the magnitude of resources allocated. मतलब समझ आया? Activity और time proportionate आपस में, कि एक घंटे का काम है तो एक घंटा उसको allocate हुआ होगा, ये assumption है। And by making change in the level of resources, activity time and the project completion time can become वेरिड। अगर आप एक्टिविटी बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक लैपटॉप बनाना है, उसके क्रिटिकल पथ मेथड क्या है। सबसे पहले आपको लैपटॉप बनाने के लिए मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड के बाद आपको बॉडी चाहिए, बॉडी के बाद कैमरा चाहिए, कैमरे के बाद आपको उसको असेंबल करने वाला आदमी चाहिए, उसके बाद में आपको उसकी फिनिशिंग चाहिए, डब्बे में पैकिंग एक्सेट्रा, फिर उसके बाद में उसको कोरियर एंड शिपमेंट वाला चाहिए। इसका क्रिटिकल पाथ मेथड, मैंने इसको सबको डिवाइड कर दिया। क्रिटिकल पाथ मेथड से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए। मैंने कहा मदरबोर्ड को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए, सबसे क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, मदरबोर्ड बनाना। वो खराब तो पूरा लैपटॉप खराब है, वो सही है और लास्ट में पैकिंग खराब है चलेगा। अगर मान लो पैकिंग ढंग से नहीं हुई, शिपमेंट ढंग से नहीं, लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन लेट डिलीवर होगा होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सब इसमें क्रिटिक सीपीएम में होता है कि आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हो एंड इट इज इजी फॉर यू टू डिटरमाइन व्हिच वन रिक्वायर मोस्ट योर अटमोस्ट अटेंशन। ये होता है सीपीएम। तो एप्लीकेशन ऑफ सीपीएम लिस्ट का फॉलोइंग एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज होते हैं आपको। द इट प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल अप्रोच टू द अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिफाइंड क्लियर। It identifies most critical elements and pays more attention to these activities. It assists in avoiding waste of time, energy, money, etc. It provides standard method for communicating project plans, schedule, cost. आपको टाइमिंग सबका पता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक मदरबोर्ड बनाने में 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद में तीसरे दिन उसको फ्री रखूंगा नेक्स्ट वाले आदमी को कि तुझे फिटिंग करनी है, वो मुझे सारा पता है। क्रिटिकल सीपीएम समझ आया? सीपीएम क्या होता है? सीपीएम इज अ बेसिकली अ टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक इन विच यू डिवाइड द होल प्रोजेक्ट इन सो सर्टेन स्टेप्स एंड देन यू एनालाइज व्हिच स्टेप विल टेक हाउ मच टाइम कॉस्ट एक्सेट्रा अकॉर्डिंगली यू प्लान। Next is PERT, Program Evaluation and Review Technique. PERT is an important technique in the field of project management. It involves basic network techniques which includes planning, monitoring, control. In addition to its use in schedule planning and control, the network concept in the PERT provides framework for treating the wide range of project management problems. The PERT system is directed towards dynamic management of project. It specifies the techniques and procedure to assist the project मैनेजर्स इन किस किस चीज में। सबसे पहले प्लानिंग में, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, फोरकास्टिंग मैन पावर मतलब कितने लोग चाहिए, प्रिडिक्टिव शेड्यूल, स्लिपेज, आपको पहले से पता होता है कि कहां कहां स्लिप दिवाली है तो टाइम 2 दिन फालतू लगेंगे, तो प्रिडिक्टिव शेड्यूल, स्लिपेज ऑफ द कॉस्ट, कहां कहां आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, डेवलपिंग ऑल्टरनेट टाइम कॉस्ट प्लान्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग टास्क। नेक्स्ट पैरा जल्दी से पढ़ो।
पॉड क्या है? ओके, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन पॉड? पॉड होता है एक मॉडर्न टेक्निक होती है कंट्रोल की। क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले आपको जो भी काम करना उसको प्लान कर दो। सेकंड लाइन में सब कुछ लिखा, जो भी काम करेंगे उसको प्लान कर दो। प्लान करने के बाद में उसको बाकी बीच में प्लान करो एंड देन स्टार्ट डूइंग एंड मॉनिटर कर दो। एंड मॉनिटर के बाद में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो कंट्रोल। ये तीन में पूरा पढ़। अब सबसे पहला था पॉड के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लान द एक्टिविटी। दूसरा स्टेप होता है कि सर प्लान के साथ ही चल रहा है अभी हमारा, अभी तक हमने इसको मॉनिटर पे नहीं है। प्लान कर लिया, अब हमें पता चला कि पैसा कितना लगेगा, लोग कितने चाहिए, तो आपने सेकंड में कॉस्ट देखी और थर्ड में मैन पावर कितने लोग चाहिए। टेक्निक है बेसिकली, सर आपने घर बनाना, आपको कोठी बनानी है, आप एक बिल्डर हो, तो आप एक आदमी के पास गए कि मैं तेरी कोठी बना के देता हूँ, मुझे ऊपर का फ्लोर तो दे दे, कोलैबोरेशन। तो ही वाज रेडी, बट आपने सोचा कि पहले देख लूँ मैं पैसा प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो आपने सबसे पहले प्लान किया कि कितना टाइम लगेगा। प्लान था आपका घर बनाना, फिर आपने देखा कि कितना पैसा लगेगा इस घर को पूरे बनाने में, फिर आपने सोचा कितने लोग चाहिएंगे, क्या पैसा और इतने लोग मुझे मिल जाएंगे। आंसर वाज यस, मुझे ये सारा मिल जाएगा। तो अगला है आपका पैसा, लोग तो मिल जाएंगे, बट अभी जो मैंने आपको प्लानिंग करी है वो करिए कि 60 डेज में पूरा घर बना दूंगा और पर डे के मेरे 1,00,000 रुपया लगेगा, तो 60 लाख रुपीज में पूरा घर बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर का जो फ्लोर है मेरा 1 करोड़ में बिक जाएगा, मैं 40 लाख रुपए की सेविंग कर दूंगा। ये था मेरा 3 स्टेप ओवर। बट आपको एक चीज और कंसिडर करनी चाहिए, पॉइंट कहता है स्लिपेज ऑफ टाइम भी कंसिडर करो। तो सर इस बीच में 3 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन लेबर काम पे नहीं आएंगे, वो जब लेबर काम पे नहीं आएगी बट मेरा तो पर डे का आइडल का भी पैसा लगेगा, बैंक का इंटरेस्ट लगेगा ना। तो मेरा 60 डेज वाला कितने में क्रॉस हो गया, 63 में। तो 63 हो गया, मेरा प्रॉफिट 40 से स्लिप हो गया, 37 पे आ गया। अब आप डेवलप द ऑल्टरनेट टाइम कॉस्ट प्लान। अगर आपको लगता है कि कुछ इसके अलावा भी हो सकता है बेस्ट, तो वो निकालो, नहीं है तो ये चूज रखो आप। एंड देन फाइनल, अगर सब कुछ सही है, गो एंड एलोकेट द रिसोर्सेज एंड काम करना शुरू करो। काम करना शुरू करने के बाद में उसको करो आप मॉनिटर, सब कुछ सही जा रहा है, मैं पर डे का प्रोग्रेस देख रहा हूँ, 60 डेज में 100 होना चाहिए था, तो डिवाइड कर लेता हूँ उसको परसेंटेज में कि 30 डेज में मेरा 50% हुआ कि नहीं, ठीक है। एंड अगर नहीं हुआ तो थर्ड काम क्या करना है, कंट्रोल। क्रिटिकल पार्ट में जो हमने स्टेप्स बनाए थे, जो टेक्निक थी आपकी नेटवर्किंग को करके, जैसे क्रिटिकल में भी आप स्टेप्स में बांट रहे हो, देखा जाए तो पर्टिकल में एक्टिविटी के हिसाब से टाइम दिया गया। और अगर एक्टिविटी बढ़ाई आपने, कहा कि थर्ड फ्लोर की बजाय सर आपको फोर्थ भी बनाना है, अगर ये सीपीएम में कर रहा होता भाई एग्जांपल, तो सीपीएम कहता है कि सर 60 की बजाय 65 डेज होंगे, क्योंकि आपने एक एक्टिविटी बढ़ा दी। और क्योंकि 65 डेज होंगे तो मैं पैसा भी आपसे उसके अकॉर्डिंग बढ़ाऊंगा। तो सीपीएम कहता है बांटो, क्रिटिकल एरिया देखो, उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दो, और ऑफ कोर्स टाइम के प्रोपोर्शनली अजम्पशन है कि उसको पैसा भी मिलता है। टाइम बढ़ा पैसा बढ़ेगा, ये क्रिटिकल कहता है। पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है प्लान करो एंड देन मॉनिटर करो एंड देन कंट्रोल करो, ये कंट्रोलिंग टेक्निक है। पॉइंट की टेक्निक्स क्या कहती है, प्लान करो कंट्रोल करो, प्लान मॉनिटर एंड कंट्रोल, ये पॉइंट कहता है। बाकी है तो सारी एक ही, जो जीरो बेस बजट अभी घर बना रहे हैं तो बजट ही हुआ, बट अलग अलग टेक्निक्स को नाम दिए, ठीक है। चले नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑडिट। व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट डजंट मीन द फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट मीन सिंपली परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिट का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलरेडी नो, ऑडिट मतलब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, यहां पर आप समझो कि ऑडिट का मतलब चेकिंग करना। मैनेजमेंट ऑडिट को अगर थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो मैनेजमेंट की चेकिंग करना, मैनेजमेंट की चेकिंग क्या करोगे, मैनेजमेंट के काम को इवेल्युएट करोगे। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट। कंपनीज गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एटलीस्ट वंस अ ईयर,
अच्छा, एक होती है स्टेचुरी ऑडिट, स्टेचुरी ऑडिट होती है फाइनेंस की। जब हम बात करते हैं स्टेचुरी ऑडिट तो वो होती है फाइनेंशियल्स की, सीए करता है। जब हम बात करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट की तो वो होती है लीगल, वो सीएस करता है। जब हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की तो वो होता है सब कुछ, चाहे फाइनेंस हो चाहे अदर देन फाइनेंस की कुर्सियां पंखे चेयर बिजली का बिल ज्यादा क्यों पानी ज्यादा क्यों सब कुछ होता है उसमें, वो होती है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट, दिस स्टैच्यूरी ऑडिट। अगर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की स्टैच्यूरी ऑडिट हो रही है तो इसका मतलब फाइनेंस आ गया वहां पर। स्टैच्यूरी ऑडिट इज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट द कंपनीज रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट साउंड अकाउंटिंग पॉलिसीज सच एज ऑडिट लुक्स एट द पास्ट एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस। हाउएवर सम ऑफ द प्रोग्रेसिव कंपनीज अपीयर टू हैव रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट्स। And management audits are becoming increasingly significant in connection with the control of overall performance of an enterprise and its management audits ki need badhti ja rahi hai day by day. Management audit hai ke is defined as a systematic dispassionate examination or analysis and appraisal of management's overall performance. So maine aapko first slide mein kya bola, management audit kya hota hai, मैनेजमेंट को चेक करना, मैंने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना, दैट्स मैनेजमेंट। क्यों करी जाती है मैनेजमेंट ऑडिट, क्यों कर रहे हैं हम चेक करना ना, तो चेक क्यों कर रहे हैं आपके कॉपीज को चेक क्यों किया जाता है, पास या फेल बोलने के लिए है ना, प्रेस करने के लिए, अगर पास हो तो प्रेस करेंगे नहीं हुए तो नहीं करेंगे। वैसे मैनेजमेंट को क्यों किया जाएगा, अप्रेस करने के लिए, अगर आपने ढंग का काम किया तो प्रेस, सैलरी या प्रमोशन नहीं किया तो डिमोशन हटाइए आपको। इलेक्शंस क्यों होते हैं, इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं बिकॉज चेक करने के लिए, अदरवाइज तो एक चाइना ना एक ही सरकार एक ही पार्टी है वो अपने आदमी बनाते रहते हैं, जरूरत नहीं। हमारे लिए क्यों हो रहे हैं, हमें एक चांस दिया जाए कि अगर आपको लास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तो हटाओ और नया लेके आओ, ठीक है, आज भी इलेक्शन दिन आगे। महाराष्ट्र है, हरियाणा, बीजेपी, महाराष्ट्र तो शोर है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, क्या डिफरेंस हो सकता है फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में, सब बताया फाइनेंशियल ऑडिट किसकी होगी नंबर्स की, मैनेजमेंट ऑडिट किसकी होगी परफॉर्मेंस होगा। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लिखा है इसमें मैनेजमेंट ऑडिट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ऑडिटिंग अकाउंटिंग और स्टेचुरी ऑडिट, वो अलग बात है। अकाउंटिंग ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड इज एसेंशियली हिस्टोरिकल इन कैरेक्टर, बट मैनेजमेंट ऑडिट लुक्स एट द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट्स बेसिक पर्पज इज टू अप्रेज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑफ द कंपनी एज अ होल। मैनेजमेंट ऑडिट होता है क्यों, वन वर्ड में बेसिकली टू प्रेज द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होता है। व्हाइल मैनेजमेंट ऑडिट गोज फर्दर एंड कवर्स एरियाज ऑफ मैनेजमेंट ऑन एसेट पोटेंशियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एग्जीक्यूशन इवेल्युएशन पर्सोनल प्रैक्टिसेस फिजिकल फैसिलिटीज फाइनेंशियल प्रोसीजर, इन सब चीजों को कवर करती है मैनेजमेंट ऑडिट। सो फार एज मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न, देर आर नो क्लियरली डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। जैसे सर ऐसे क्यों बोल रहे, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी अगर ऑडिट करते हैं तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइंड है, वेयर इज मैनेजमेंट ऑडिट कोई स्टैच्यूरी ऑडिट लीगल ऑडिट नहीं है, इसके लिए ऑडिटर की कोई राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं होते हैं। स्टैच्यूरी ऑडिट वेयर इज कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मैनेजमेंट ऑडिट में इवन बी अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ, मैनेजमेंट खुद भी कर लेते, करता ही है ना, जैसे हमारे यहाँ एक चीफ मिनिस्टर है वो खुद ही बता देते हैं हम अच्छे भी गंदे, खुद ही ऑडिट कर लेते हैं अपनी, हमने इस साल बहुत अच्छा काम किया। हमारे नेताजी कैसे कहते हैं, हमने इस साल बहुत अच्छा काम किया,
अरे दूसरों से इवेल्युएट करवाओ ना, दुनिया क्या कह रही है, हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, हम खुद कह रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कौन कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, लेट्स हैव अ ऑडिट, ऑडिट करते चेक करते, तो मैनेजमेंट ऑडिट तो खुद हो जाता है, ऑडिटर स्टेचुरी ऑडिट या सेक्रेटरी ऑडिट की आपको बाहर से एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट आदमी बुलाना पड़ता है। मैनेजर ऑडिट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक ही है, फाइनेंशियल ऑडिट होती है खाली बैलेंस शीट पे, स्पेशली ऑडिट होती है तो सरकार की तरफ से कंपल्सरी आपको करवानी पड़ती है, सेक्रेटरी ऑडिट लीगल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट, सिस्टमेटिक कंपाइलेशन ऑफ रेलेवेंट डेटा एंड इट्स एनालिसिस विद अ व्यू टू अप्रेज मैनेजमेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अमेरिकन इंस्टीट्यूट of management has identified 10 categories of appraisal area. आपको 10 जगह पर आपको evaluate, 10 points पर आपको evaluate करेंगे, आप अच्छे हो या गंदे हो उस पर बताएं। कोई company को कोई example दिमाग में डाल दो, Apple, Google, Microsoft, Infosys, कोई, तो सबसे पहले उनको चेक करने के लिए economic function है, क्या आपने public के लिए value create की, लाइक कंज्यूमर एंड किए, शेयर होल्डर के लिए कोई फायदा, इंप्लॉय सप्लायर या कम्युनिटी के लिए कुछ फायदा करा आपने, पहला उसमें चेक करना। दूसरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आपका खुद का ऑब्जेक्टिव कितना पूरा किया मैनेजमेंट ने कंपनी का, अंडर दिस कैटेगरी इज अप्रेज द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थ्रू विच मैनेजमेंट सीक्स टू अकॉम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। तीसरा हेल्थ ऑफ अर्निंग, आपकी अर्निंग अच्छी हुई, प्रॉफिट पोटेंशियल्स बढ़े ऑफ द कंपनी और एसेट्स रियलाइज हुई है, मैंने प्रॉफिट पोटेंशियल्स क्या बढ़ा या क्या कम हुआ। सर्विसेज ऑफ शेयर होल्डर, हियर द मैनेजमेंट ऑडिट टीम डिटरमाइन्स द कंपनी सर्विस टू शेयर होल्डर विद रिगार्ड टू मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, रीजनेबल रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके रिसर्च में कितने अच्छे हुआ, फॉर जॉइंट कंपनीज पर्टिकुलरली इवेल्युएशन ऑफ द रिसर्च पॉलिसी इज क्रूशियल। जैसे एप्पल कंपनी रिसर्च में काफी पैसा लगाती है, गूगल लगाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लगाते हैं, तो जॉइंट कंपनीज है, उनकी रिसर्च के बेसिस पे भी उनको हम इवेल्युएट कर देंगे आप कितने अच्छे हो कितने खराब। फिर आता है इवेल्युएशन का अगला पॉइंट, डायरेक्टरेट एनालिसिस, दैट इज इन द अप्रेजल एरिया, इन दिस अप्रेजल एरिया थ्री एलिमेंट्स यूजली कंसिडर्ड आर, तीन चीजें चेक करते हैं। सबसे पहला आपके डायरेक्टर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, एज अ टीम डायरेक्टर कितना काम कर रहा है, एंड क्या डायरेक्टर ट्रस्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, मतलब या नहीं, मतलब ट्रस्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वेदर ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी और नॉट। फिर आता आपको चेक करना फिजिकल पॉलिसीज, वैसे तो हो ही गए, स्कैड्यूल का होगा तो सब आएगा, कुछ ना फिजिकल पॉलिसीज कैसी है आपकी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपके मैनेजमेंट के अंडर प्रोडक्शन कितना अच्छा हुआ, बढ़ा घटा कम ज्यादा, ठीक है, सेल्स का काम कैसा रहा आपका, मार्केटिंग गोल्स कैसे रहे आपके, पास्ट सेल्स में कितना रियलाइजेशन, पास्ट सेल्स का जो आपका पैसा आना था क्रेडिट, हाउ मच यू हैव रियलाइज्ड अमंग फ्रॉम द पास्ट सेल, पुरानी सेल्स में से आपने कितना पैसा रियलाइज कर लिया है। The key factor under this category of appraisal are providing, controlling and managing thriftly the use of funds. मतलब सबसे पहला तो control करना और दूसरा आपने अपने जो funds हैं उनको कितना बेहतर तरीके से use कर रहे हो, control करके use कर रहे हो या नहीं कर, thriftly use होता है। Physical policies बताते हैं कि आपने funds का wastage तो नहीं करा। And the last is evaluating the executive.
एग्जीक्यूटिव एलिगेशन क्या कहता है, रीड करो जल्दी से। Each of the appraisal categories discussed above to the sum of extent involve evaluation of the concerned executive and jo log kaam kar rahe hain unka evaluation. However, because of their vital role, the qualities of the executive and their management philosophy need to be evaluated separately. American Institute kehta hai has found three personal qualities as being essential element for business leaders. Ki teen qualities honi chahiye. These are ability, industry and integrity. एबिलिटी होनी चाहिए उनमें, इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए आपकी, एबिलिटी है, इंडस्ट्री अच्छी है और मिलके इंटीग्रिटी काम कर रहे हो, सीक्रेट्स बना रहे हो. देन गुड मैनेजमेंट डिमांड्स दैट एग्जीक्यूटिव शुड वर्क टुगेदर इन द हार्मनी एंड एंश्योर कंपनीज कंटिन्यूटी बाय साउंड पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्रोग्राम रिलेटिंग टू डिफरेंट एक्टिविटीज. क्वेश्चन करो सर, सामने देख सकते हो आंसर नहीं मिलता. आया कोई करेक्ट किसी का? थर्ड करेक्ट, एक ही करेक्ट. आउट ऑफ फोर कितने करेक्ट हैं? तो करेक्ट है. जीरो बेस बस्टिंग कैन बी यूज्ड मोर मीनिंगफुल्ली those areas where a direct relationship exists between the expenditure on the activities and the benefits to the enterprises. जब पता ही है तो सारा वही होगा ना, जब हमें direct relationship है enterprise का expense से, तो पता ही है हमें expense के बारे में, तो हमें zero based budgeting वहीं पर ज़्यादा use. Next आता है. ऐसे तो कुछ तो history होगी, metro तो चली रही है. अब आए कुछ तो हो गए, दुनिया पहला दिन तो शुरू हुआ नहीं, बट आपकी हिस्ट्री नहीं है, वो काम की हिस्ट्री नहीं. रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप क्या होता है? प्लानिंग बेसिकली डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव. याद है किसी को प्लानिंग की डेफिनेशन? प्लानिंग डिफाइंस द फोरकास्ट. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फोरकास्ट, बेसिकली व्हाट टू डू एंड टू रिलीज. सो कैन आई से प्लानिंग इज बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर द कंट्रोलिंग. प्लान्स नहीं है तो कंट्रोल किसको करोगे? तो प्लान बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर कंट्रोलिंग. फर्स्टली द प्लान्स आर डिफाइंड एंड देन इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, एंड इफ देयर इज एनीथिंग गोइंग रॉन्ग देन कंट्रोलिंग इज देयर. एंड ड्यू टू द कंट्रोलिंग टेक्निक ऑल्सो प्लान्स मोस्ट ऑफ द टाइम गेट सक्सेसफुल. कंट्रोलिंग की वजह से प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गोज हैंड्स इन हैंड्स. अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो कंट्रोलिंग करके कोई फायदा नहीं है, और कंट्रोलिंग अच्छी नहीं तो प्लानिंग शायद सक्सेस ना हो. प्लान करो, कंट्रोल करो, एंड देन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, परफॉर्म करो. प्लान अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, और कंट्रोल प्लान के बाद भी आ सकता है. प्लान कर दिया, अब कंट्रोल करके काम करवाओ. बजट कंट्रोल हो गया एंड परफॉर्मेंस उसके बाद है. वो तो प्लानिंग भी कंटिन्यूस है, डायनेमिक है, वो सारे तो आपको रटे हुए मुझे पता है. इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, चेंज, कंट्रोल, ये सब तो रटा हुआ पड़ा. कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इट इज परवेसिव फंक्शन, टेम्परेरी लेवल, वो सब आएगा. सो इज कंट्रोलिंग एज वेल. कंट्रोलिंग
प्लानिंग ऑल्सो इज कंटिन्यूस प्रोसेस, एक दिन करके छोड़ देना नहीं चलेगा, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस एट एवरी लेवल, कंट्रोलिंग हर लेवल. बट रिलेशनशिप कहते तो क्या रिलेशनशिप है इसका, सर ब्लू प्रिंट छोड़ता है प्लानिंग कंट्रोलिंग के. अच्छा लास्ट क्लास में शायद आप लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ था, कैन यू आप सर नहीं हुआ शायद आप लोगों के बैच में नहीं हुआ, हो चुका आपसे, बता सकते हो मुझे आप, एक सवाल हुआ था आपसे मेरा आपकी लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास लास्ट जो भी था, तो मैंने आपको कहा था कि कैन यू प्लान योर प्रेजेंट, तो मोस्टली आपने कहा था जी हाँ हम तो कर सकते हैं. ठीक है, एक बच्चे ने मुझे बोला भी था कि सर मैं तो पक्का ही कर सकती हूँ, कौन था वो, तो शायद वो है नहीं आज, तो जो भी है, तो कैन यू प्लान योर प्रेजेंट, प्रेजेंट करते करते वो पास्ट बन जाएगा ना, तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग, सर्टेन प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, तो प्लानिंग लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग बैक कैसे हो सकता है सर, कंट्रोल में हम पिछला भी देखते हैं तो पहले क्या था वो डेविएशन सर, पहले भी डेविएशन देखते हैं तो नहीं नहीं हां, कंट्रोलिंग तो पहले तो हम देखते कंट्रोल करते हैं क्लास में, अगर हमारी अचीवमेंट अधिक नहीं होती तो हम देखते हैं कि कहां का डेविएशन सी हमारी गलती और कोई बेटर थोड़ा सा सर, इसमें दोनों दोनों कंट्रोल कब किया जाता है, जब कोई चीज हो चुकी हो, ये बोलना आपने, कंट्रोलिंग इज आफ्टर हैपनिंग, होने के बाद कंट्रोल होता है. अब मैं पहले से आपको बोलना शुरू कर दूं तो फेल है, तो फेल है, तो फेल है पढ़ना शुरू कर दे, फेल है पढ़ना शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता ना, फेल हो तो पढ़ना बोलना के चाहिए, कंट्रोल तब किया जाएगा. तो कंट्रोलिंग हमेशा कब होती है, हैपन होने के बाद, इट्स अ बैकवर्ड लुकिंग, पीछे वाली चीजों को आप वो देख के फिर बता दूंगा. सो व्हाइल एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अच्छा ट्वेल्थ की बुक्स में आपको कुछ और लिखा हुआ है बता दूंगा कंट्रोलिंग के बारे में, दोनों लिखा हुआ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या भी देखते हैं अभी. थर्ड लाइन, प्लानिंग नो डाउट फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग के लिए तो कोई दोरा है ही नहीं. एज इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड फॉरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स एंड एज ऑल्सो देयर लाइकली इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, इट इज इन्वॉल्व्स चेकिंग वेदर द प्लान्स आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और नॉट. Their results achieved and the deviation corrected shortly. It is post-mortem of the event which have already taken place. जो मैंने कहा हो चुका है उसको देखना. Hence, nothing can be done to undo the past. Controlling बदली नहीं जा सकती, planning बदली जा सकती है. So, planning is forward, controlling backward. Plans can be changed, but control cannot be changed. Since you can't change your past. Techniques बदल दो. I want the description of the process and purpose of planning and controlling. Though correct, is certainly not complete. Planning is not merely forward looking. Plan for future are often partially for projection of the past and present. कहा जा रहा है कि शायद कुछ जो है ना plan जो past को ठीक करने के लिए भी करते हैं. पिछले quarter का result खराब आया. आपके 12th का अगर number खराब आया. एक और ऑप्शन है करियर बनाने का, अब अच्छे कर रहे हैं तो पास्ट को ठीक करने के लिए प्लान हो सकते हैं, बट हाँ आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में वो ही लिखना है, ये समटाइम्स बोला है. हाउएवर द प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, प्लानर हैज टू लुक बैक इनटू द ऑर्गेनाइजेशन पास्ट डिसीजंस पॉलिसीज प्रोग्राम एंड कमिटमेंट टू एम्बार्क ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. सिमिलरली कंट्रोलिंग इज नॉट मेरली अ लुकिंग बैक एक्सरसाइज, the whole exercise of looking back is meant to improve the work performance of future. Feed forward control in a particular enable manager to take advanced preventive action against occurrence of deviation and distortion in plan and thereby help in keeping the organization alert and alive for the future environmental event. Thus, early warning and rapid response process are integral to control system
विच मेक्स कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, अभी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अभी हम ठीक कर लेते तो आगे का सब कुछ योग्य अलाउंस. इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया है.